जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। इन सभी आतंकी घटनाओं की वीडियो वक्त इंडिया ने लगातार चलाया भी है, जिसमें हमने कुछ वीडियो के जरिए आतंकी ट्रेनिंग की कुछ एक्टिविटीज नोट की हैं, जिसे देख ये साफ लगेगा कि पत्थरबाजों को बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें आंसू गैस के गोले भी आसानी से प्रभावहीन करने आते हैं। ये तस्वीरें दो दिन पहले हुए पुलवामा के बमनो इलाके की हैं, जहां आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ चल रही थी, तभी आतंकियों को बचाने के लिए स्थानीय पत्थरबाजों ने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जब सुरक्षा कर्मी इन पत्थरबाजों को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रहे थे, तभी ये पत्थरबाज इसे निष्क्रिय करने लगे। तस्वीरों में देखिए, इस आंसू गैस के गोले पर ये पत्थरबाज पत्थर भी मार रहे हैं, साथ ही गीली बोरियों से इसे दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये पत्थरबाज हाथ में नमक का डब्बा भी और बाल्टी में पानी भी लिए हुए हैं, ताकि ये आंसू गैस का गोला निष्क्रिय कर सकें। दरअसल नमक छिड़कने से आंसू गैस का असर कम हो जाता है, साथ ही पानी फेंकने से भी इसके धुएं में कमी आती है। लेकिन इस वीडियो के जरिए इन पत्थरबाजों की ये एक्टिविटी ये साफ बयां कर रही है कि ये मामूली पत्थरबाज नहीं है, बल्कि एक पेशेवर और ट्रेंड किए गए पत्थरबाज हैं। तभी तो एक तरफ कुछ हाथों में पत्थर लेकर पत्थर मारते हैं, तो वहीं इनके कुछ साथी आंसू गैस से बचने के लिए बाकायदा अपने हाथों में पानी की बाल्टी, गीली बोरी और नमक जैसे सामान रखते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिन नौजवानों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वो आखिर अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग से भटक क्यों गए हैं? क्यों पत्थरबाजी कर अपना भविष्य अंधेरे में धकेल रहे हैं? इस वीडियो को आपको दिखाने के पीछे हमारा ये मकसद था कि आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अगर आप इन बहकावों से दूर रहेंगे तो आने वाले कल की तरक्की आपके कदम चूमेगी और कश्मीर दोबारा अपनी जन्नत के नाम को और मजबूती के साथ पूरी दुनिया को बता सकेगा। तो आप भी इन जैसे लोगों से दूर ही रहें और इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आएं। अपने उज्जवल भविष्य की तैयारियों में जी तोड़ मेहनत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वक्त इंडिया।